एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। जब ये मैट्रिक्स होगा नॉट डिटरमिनेंट सेटिस्फाई करेगा देन यू विल गेट रिप्लेस एक्स एज ए। सो यू हैव ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस के। के क्या होगा? A into I. जितने सारे कॉन्स्टेंट सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये KI मैट्रिक्स होगा। तो व्हाट इज द ए स्क्वायर? ए इंटू ए। क्वेश्चन क्या पूछा है? Then, it is matrix or determinant? Sir, AD minus BC dal. Determinant. तो determinant होगा तो फिर आप direct डाल दोगे। matrix होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, determinant होगा तो value आप डालोगे। के आई क्या जरूरत नहीं। तो ए स्क्वायर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर रहेगा ए डी माइनस बी सी। तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी प्लस के इक्वल टू जीरो। ए डी माइनस बी सी कॉमन, माइनस ए माइनस डी फायदा नहीं हो रहा है। ओके, ये कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा ना। ये फिर क्या देगा? एक मिनट, मैट्रिक्स के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा?
क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, देन ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस डी स्क्वायर, देन बी सी प्लस डी स्क्वायर, है ना। सी कॉमन जाएगा तो ए प्लस डी, यहाँ पे बी कॉमन जाएगा सी, ए प्लस डी, आई थिंक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देन ए प्लस डी इंटू ए बी सी डी प्लस के आई मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी कॉमन जाएगा तो ए प्लस डी, देन सी कॉमन होगा तो ए प्लस डी, देन बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ये चारों एलिमेंट मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए प्लस डी, बी इंटू ए प्लस डी, सी इंटू ए प्लस डी, then d into a plus d, correct? So matrix के वहाँ पे negative sign भी है? Matrix? Matrix के अंदर negative sign भी है? Sir वो minus भी नहीं है। Minus अच्छा ये है क्या? अब minus करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों minus करेंगे, a square cancel होगा, b c माइनस ए डी, है ना। सेकंड वन जीरो होगा, देन एस सी कैंसिल हो जाएगा, सी डी नहीं ये कैंसिल हो गया जीरो, देन बी सी प्लस डी स्क्वायर, आपका डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू माइनस के इंटू आई, विच इज अब बी सी माइनस ए डी कैंसल कॉमन ले सकते हो, बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लो, देन यू हैव 1001, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1001। अब के जगह क्या आ गया, एडी माइनस, ये मैट्रिक्स था डिटरमिनेंट नहीं, ऑप्शन है एडी माइनस बी सी, यस डी ऑप्शन। ठीक है, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी नाइन, थर्टी फाइव, फिफ्टी, सो एक 45 इट वाज। सर 33, 30, 33, ओके, एट identify the incorrect statement in respect of two square matrices A and B on sum and product. Trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B.
ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ए डी होगा, क्योंकि ए बी और बी ए का डायगोनल दोनों सेम होता है, तो ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ टू स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया ना, अच्छा टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देना चाहिए, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी मैंने मेंशन किया है कि कंफर्मेबल फॉर सम एंड प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, हाँ ठीक है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें डी इज इनकरेक्ट, बाकी एबीसी होगा, नहीं आपका ट्रेस क्या होता है, सपोज 2, 3, 5, 7 ये मैट्रिक्स बी, मतलब आप एक्स ए बी सी डी ले लो, ऐसा कुछ नंबर भी मत लो, पी क्यू आर एस कर देता हूँ, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस क्या होता है, A plus D. Yes. Sum of diagonal. Sum of diagonal elements. A plus D. A plus D. तो trace of B क्या होगा? B plus S. What is the A plus B? A plus P, A plus P, B plus P, plus Q, C plus R, D plus S. अब इसका ट्रेस क्या होगा? A plus P plus D plus S. वो यार है ना? ट्रेस ऑफ A plus ट्रेस ऑफ B. This one you can write A plus D plus P plus S, which is ट्रेस ऑफ A. प्लस ट्रेस ऑफ बी, लाइक दैट आपका ये ट्रेस ऑफ अल्फा ए इज द अल्फा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, वो क्लियर है, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो चारों एलिमेंट में अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ट्रेस क्या होगा, अल्फा ए प्लस अल्फा डी, दैट यू कैन राइट अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस डी, ओके, और ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, आप इसको ट्रांसपोज करोगे डायगोनल चेंज होगा क्या, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा ना, आपका बी इधर आ जाएगा इधर सी हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, तो डी नहीं होगा, ए बी का ट्रेस जितना होता है बी ए का ट्रेस उतना ही होता है, क्योंकि डायगोनल में चेंज नहीं होता है, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी व्हाट इज योर ए बी, अब डायगोनल एलिमेंट सिर्फ चेक करो क्या होगा, ए पी प्लस बी आर, ओके, एंड ये एलिमेंट क्या होगा, टू बाय टू, टू टू एलिमेंट, टू टू एलिमेंट इसके साथ ये होगा सी क्यू प्लस टी एस, बी ए का चेक करो,
ये मतलब आपके इसके साथ ए बी सी डी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, बट इज योर वन वन एलिमेंट ए पी प्लस सी क्यू है, हाँ ठीक है, ए पी प्लस सी क्यू और बी प्लस एस डी, बी आर बी प्लस एस डी, इसका सम चेक करो, इसका सम चेक करो, सेम दे रहा है ए पी प्लस बी आर है ना, एंड देन सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस इधर इक्वल होता है बट ऑन इक्वल दिया गया, ओके सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, आपका ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टू आई इक्वल टू नॉर्म मैट्रिक्स, ये सपोज ए नॉर्म मैट्रिक्स होगा देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इफ ए बी द नॉर्म मैट्रिक्स देन ये क्या होगा, ये नॉर्म प्लस टू आई इज इक्वल टू नॉर्म, इज इट करेक्ट, नो सर, देन एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स ए नॉट योर नॉर्म मैट्रिक्स, ठीक है, नॉर्म मैट्रिक्स पूछा था क्या, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ए इज नॉट इक्वल टू नॉर्म मैट्रिक्स, ये करेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है सर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो नहीं होगा ना सर, हैं अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिमिलर नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका यूज करते हैं, नहीं उसका उल्टा होना चाहिए ना, नॉन आपका नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आपका कहीं पे स्टेटमेंट में ए इनवर्स नहीं दिया गया, कहीं
कहीं पे आपका स्टेटमेंट में इनवर्स नहीं दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं इसका डिटरमिनेंट हमें देखना पड़ेगा। सो ए इनवर्स एक्सिस करेगा कैसे? सो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू माइनस टू आर लिख सकते हैं। सो फिर उसके बाद ए से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के से। तो एक इक्वेशन आ जाएगा ए प्लस आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू टू आर। ए से कैसे डिवाइड करोगे? सो ए स्क्वायर प्लस ए है ना सर एलएचएस में, तो ए से डिवाइड करेंगे तो वहां पे आई आ जाएगा। ये थोड़ी मैट्रिक्स में डिवाइड होता है, ए मैट्रिक्स डिवाइड कैसे करोगे? इसमें ए इनवर्स यूज किया जाता है, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर होगा तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो अभी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स सॉरी ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो। इफ यू मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ दी साइड्स देन यू विल गेट दिस वन, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I matrix is equal to minus 2 into A inverse. तो A inverse हो जाएगा आपका minus 1 by 2 then A into A plus I. तो ये correct होगा जब आपको पता चलेगा कि A is non-singular matrix. अदरवाइज आप पहले से A inverse multiply कर नहीं पाओगे ना, करेगा नहीं तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इफ आपका फर्स्ट वन राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा देन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा? हाँ इधर से पता चल जाता, ये जरूरत नहीं, ठीक है ना? ये क्या होगा, ए प्लस आई, ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू माइनस टू आई है ना, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन रख रहा हूँ, देन ए प्लस आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू आई मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए प्लस आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस टू आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है? और टू आई का डिटरमिनेंट कितना होगा? टू होगा,
आई कौन सा ऑर्डर का, ये कुछ ऑर्डर दिया गया नहीं दिया है, तो माइनस टू टू दी पर एन होगा इफ यू कंसीडर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई। आई का ऑर्डर दिया हुआ है, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। अच्छा ऑर्डर टू दिया गया क्या? हां ओके, ऑर्डर टू दिया जाएगा तो ये हो जाएगा पावर टू। ठीक है, तो ये होगा फोर। तो क्लियरली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो तो ये जीरो हो जाना चाहिए था ना? यस। ओके, दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हुआ। नॉन सिंगुलर होगा तो डी तो सेटिस्फाई करेगा, तो ए करेक्ट, बी करेक्ट, डी करेक्ट। अब सी को आपको चेक करना है कि करेक्ट कि नहीं है। सिंगल चॉइस होगा तो वही करेक्ट हो, मतलब ये होगा नॉन करेक्ट होगा, बट कैसे प्रूव करोगे? हाउ टू प्रूव इट इज इट्स नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक दिया गया, ट्रांसपोज लेंगे तो बोथ दी साइड्स क्या होगा? ए ट्रांसपोज स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए दिया गया तो सेटिस्फाई हो रहा है। सिमेट्रिक तो आ रहा है, सबने ट्रांसपोज वाला कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है ना। सिमेट्रिक मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो मेरे पास था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टू आई इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, मैंने ट्रांसपोज ले लिया बोथ दी साइड्स। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टू ओ, तो एक्स ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस टू आई का ट्रांसपोज, है ना? तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज यू कैन राइट ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। प्लस ए ट्रांसपोज प्लस टू आई का ट्रांसपोज मतलब टू इंटू आई का ट्रांसपोज। इफ सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज की जगह आप ए लिख सकते हो। यस, ये तो फिर वही नॉल मैट्रिक्स दे दिया ना, सेटिस्फाई हो गया। यस, तो क्यों नहीं होगा? बट जरूरी है क्या हमेशा सिमेट्रिक होगा? ये केस की हमेशा सिमेट्रिक होगा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं, वो जरूरी नहीं। सिमेट्रिक होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक होगा।
हाँ सब लेट तो ए सिमेट्रिक तो करें ए मैट्रिक्स हाँ नहीं नहीं सिमेट्रिक जरूरी नहीं कि हमेशा सिमेट्रिक होगा इफ सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है बट ए क्यों हमेशा क्यों सिमेट्रिक होगा सर वो तो पता कैसे करें हाँ वो देखते ए स्क्वायर कितना होगा है ना कितना आ रहा है स्क्वायर प्लस बी सी a इज इक्वल टू माइनस टू आई मतलब माइनस टू जीरो जीरो माइनस इसका मतलब आपका ए प्लस डी जीरो हो जाना चाहिए तब जाके सेटिस्फाई करेगा ना आपका नहीं 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 ए प्लस डी माइनस वन होगा करेक्ट दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए देन आपका बी कॉमन जाएगा तो ए प्लस डी प्लस वन देन सी कॉमन जाएगा तो ए प्लस डी प्लस वन देन बी सी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी करेक्ट ना इज इक्वल टू माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू इसका मतलब आपका ए प्लस डी इक्वल टू माइनस वन एंड आपको मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए इक्वल टू माइनस टू इसमें आपको ए एंड बी आप ऐसे निकाल पाओगे तो हो जाएगा मतलब दो इक्वेशन आ रही है दोनों डी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी ना माइनस ए माइनस डी भी निकाल देते माइनस कर देंगे तो क्या होगा ए माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी प्लस वन है ना so, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो ए माइनस डी आएगा एक बार नहीं नहीं बराबर ना ये a plus d into a minus d ये a minus d कॉमन गया ये कैंसिल हो गया बराबर ना yes. और ये भी जीरो दे रहा है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना yes. तो आप कुछ भी ले सकते हो आप कोई भी a b c d ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसके लिए a plus d plus one जीरो आपका जो होना चाहिए you got my point ए प्लस डी प्लस वन आपका ऐसे तीन मतलब ए एंड डी सिलेक्ट करो जिसके लिए ए प्लस डी प्लस वन जीरो हो जाना चाहिए इसके बाद आप कुछ भी ले मतलब ये ले लो तो जरूर नहीं कि वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बीसी पे कंडीशन नहीं हाँ सर समझे तो डी तो सॉरी सी ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट A1, A3, up to A2n-1 are n as skew symmetric matrices of same order and B the
2r minus 1 into a 2r minus 1 raised to summation of मतलब ये क्या ये करना चाहे a1 plus a3 cube plus a5 raised to 5 है ना आपका जो b मैट्रिक्स दिया गया b मैट्रिक्स इज द a1 plus a3 का cube a5 raised to 5 ये दिया गया ना ठीक है ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डेटा ठीक है तो इसका ट्रांसपोज ले लो आपके पास क्या है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ए दिया गया कोई भी ए मैट्रिक्स के लिए 2r माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी होता है हां 2r माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी होता है अच्छा ओके ओके तो समेशन फॉर्मेट में रखते हैं ये क्या होगा 2r माइनस 1 a 2r माइनस 1 और s 2r माइनस 1 करेक्ट ना इसको मैं दो पार्ट बना देता हूं summation of 2 into r a 2r minus 1 raised to 2r minus 1 but kuch change hoga kya nahi hoga सीधा बी ट्रांसपोज रखो ना बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा इसका ही ट्रांसपोज होगा ना कांस्टेंट का तो ट्रांसपोज नहीं होता है ना यस नो यस ओके तो बी ट्रांसपोज क्या होगा समेशन ऑफ टू आर माइनस वन ए टू आर माइनस वन का ट्रांसपोज होल टू दी पर टू आर माइनस वन आपका ए ट्रांसपोज कितना माइनस है तो ये होगा माइनस ए टू आर माइनस वन टू दी पर टू आर माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा पावर नेगेटिव सॉरी पावर ऑड नेगेटिव का पावर ऑड तो माइनस आ जाएगा माइनस पावर तो ये क्या दे दिया आपको माइनस बी तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी तो स्क्यू सिमेट्रिक करेक्ट यस A, B, and C are n by n matrices. Determinant of A is the 2, determinant of B 3, determinant of C equal to 5, then determinant of A square B C inverse. Nikalo. A, B, C are n by n matrices. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया गया ए स्क्वायर बी सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एन क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या था, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया गया टू, टू का स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी थ्री, डिटरमिनेंट ऑफ सी फाइव दिया गया था, ये वन बाई फाइव कितना हुआ 12 बाई, तो ये क्यों नहीं हुआ था, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ना। थर्टी तो ट्रांसपोज ऑफ सॉरी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, आपका दिया गया ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी नहीं, ट्रेस ऑफ ए बी सी बाय टू, बीसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, बीसी को मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा, आइडेंटिटी आ रहा है क्या, हाँ सर आइडेंटिटी, हाँ तो जो बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दिया गया ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 4 2 3 देन 3 -4 -2 3 तो ये आपको दे रहा है 9 -8 1 0 6 -6 0 देन -8 +9 ये आपको आइडेंट मैट्रिक्स दिया, अब हो जाएगा तो ये होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी सी, तो आइडेंट मैट्रिक्स हो गया ए बाय टू बाय टू प्लस ट्रेस ऑफ ए बाय फोर ऐसा रहेगा, अब हो जाएगा। तो ये कितना देगा, आप इसको जीपी जैसा यूज कर सकते हो, करोगे तो क्या होगा ट्रेस ऑफ ये कितना 2a हो जाता है ना, इसका सम ऑफ जीपी a प्लस a बाय 2 प्लस a बाय ऐसे रहेगा तो क्या होगा a अपॉन 1 - r आप हो गया ना 2a हो गया, तो ये 2a हो जाता है ट्रेस ऑफ 2a, a मैट्रिक्स दिया गया इसका ट्रेस 2 1 3 3 होगा तो इसका कितना हो जाएगा इनटू 2 6
31. P is an orthogonal matrix and A is periodic matrix with period 4. Give the P transpose. X is equal to P transpose. Q raised to 2,000 by P. A square A cube A raised to 4. अच्छा orthogonal matrix क्या होगा? P जन orthogonal matrix. Then P transpose into P. This one given. A is the periodic matrix of period 4. इसका मतलब क्या है? A is equal to A to the power. A equal to A raised to 4. A 5 equal to 5. Yes. मतलब A raised to 4 आप ये मान सकते हो. हाँ ठीक है yes. Then x given p transpose a to the power 2005 p ये कितना होगा डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 1 तो ए होगा क्यू थी सर वो क्यू है पीटी क्यू टू द पावर 2005 पीटी क्यू रेस्ट टू 2005 ए के जगह पे बस क्यू है अच्छा क्यू ओके तो फिर Q कुछ है क्या हाँ सर P A अच्छा Q is the P A P transpose ओके हाँ हो गया तो अभी Q square क्या होगा P A P transpose into P A P transpose है ना इस वन यू कैन राइट पी ए पी ट्रांसपोज इनटू ए पी ट्रांसपोज करेक्ट ना यस इधर मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ तो पी ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी इनटू ए हो जाएगा पी ट्रांसपोज ये कितना होगा यस हो जाएगा पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज लाइक दैट पी क्यू क्यूब होगा आपको पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा पी ए टू 2005 इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी करेक्ट ना इसके जगह में ये A raised to P transpose into P A raised to 2005. You can write A. इसको four में divide करेंगे तो remainder क्या है? One. ये periodic का period 4 ना? हाँ sir one आ गया. तो remainder 1 मतलब ये A हो जाएगा. Into P transpose P. A. ये हो गया identity matrix. A. ये भी identity matrix. Answer A. समझा
33 if the matrix is orthogonal क्या करोगे इसको इसके साथ इसको ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आइडेंट मैट्रिक्स ओके बट मैंने रिजल्ट दिया था इफ ऑर्थोगोनल तो डिटरमिनेंट क्या होता है इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है Either plus one or minus one. तो उसका डिटरमिनेंट ले लो, you'll get your result. जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसका डिटरमिनेंट ले लो हो जाएगा इसका 33 किसका था समझा ना ये 33 के बाद 35 इफ ए द डायगोनल ऑफ -1 3 बी द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ -1 3 2 देन ए स्क्वायर बी ये क्यों पूछ रहे हो ए द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 -1 3 इसका मतलब क्या होगा ए होगा ना ये आपका मैट्रिक्स ए एक बार ए स्क्वायर चेक करो डायगोनल का स्क्वायर यस वही डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 का स्क्वायर 4 ये आपको 1 मिलेगा ये आपको 9 मिलेगा इसके साथ बी मल्टीप्लाई करोगे हाँ बस डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर यस बी मल्टीप्लाई किया बी मल्टीप्लाई बी दिया गया -1 3 2 सिर्फ डायगोनल ही मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं ये हो जाएगा -4 3 ठीक है बी द राइट आंसर ये सब करना नहीं है सीधा 2 का स्क्वायर × -1 कर दो -1 स्क्वायर × 3 3 स्क्वायर × 2 चलो तो इसको नोट कर लो नेक्स्ट 40 matrix P given A given Q is the P A P transpose ये तो वही क्वेश्चन है ना जो अभी अभी किए हाँ सर वैसे टाइप हाँ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन If the system of equation
ABC non one has non trivial solution, then ये value कितना होगा? इतना आसान क्वेश्चन इसका डेल्टा वन क्या होगा? डेल्टा वन जीरो, जीरो होगा, डेल्टा टू भी जीरो होगा, डेल्टा थ्री भी जीरो होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा नॉन ट्रिवियल के लिए? डेल्टा को इक्वल करना पड़ेगा, तो डेल्टा करेंगे तो ए वन 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 बी वन 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 अपॉन वन माइनस ए वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी. बी माइनस वन सी. एक काम करो, चेंज योर रो टू आज रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री आज रो थ्री माइनस रो वन. ठीक है, तो क्या मिलेगा? ए वन माइनस ए वन माइनस ए वन बी माइनस वन देन जीरो वन जीरो सी माइनस वन. करेक्ट, आप इसका कलम वन से आप वन माइनस ए कॉमन लो, कलम टू से वन माइनस बी रखो, कलम थ्री से वन माइनस सी रखो. तो क्या मिलेगा? ए अपॉन वन माइनस ए वन 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 अपॉन वन माइनस बी माइनस वन जीरो वन अपॉन वन माइनस सी जीरो माइनस वन. करेक्ट ना? आपका एबीसी दिया गया नॉन वन, तो इसका मतलब ये तीनों क्या होगा? नॉन जीरो होगा. इसका मतलब ये डिटरमिनेंट ही जीरो होगा. तो ए अपॉन वन माइनस ए, ए अपॉन वन माइनस, अभी एक्सपेंड कर दो, ए अपॉन वन माइनस ए इंटू वन देन माइनस ऑफ वन अपॉन वन माइनस बी इंटू व्हाट माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा. वन अपॉन वन माइनस सी ये भी प्लस वन होगा, इक्वल जीरो. ठीक है ना? अच्छा, आपका ये लाने के लिए क्या करो, एक प्लस वन कर दो बोथ दी सेट्स. तो ये क्या दे देगा? वन बाय वन माइनस, और ये बाकी तो है आपके पास. तो यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक था इवैल्यूएट करने, एक्सपांड कर दोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाए. ये नहीं रखोगे, एक्सपांड कर दोगे तो लेंथी होगा ये निकालना. ठीक है? यस. On the value of a for which the system of equation or non-zero solution. आपका डेल्टा एक्स क्या दे रहा है?
डेल्टा वन, ये आपका ए क्यूब, ए क्यूब एक्स ए प्लस वन होल क्यूब इंटू वाई, ए प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू जीरो, देन ए एक्स ए प्लस वन इंटू वाई ए प्लस टू इंटू जेड, देन एक्स प्लस वाई प्लस, तो ये नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया गया इसका। आपका डेल्टा वन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सब जीरो होगा, तो डिटरमिनेंट भी जीरो होगा, तो डेल्टा वन जीरो होगा, डेल्टा टू भी जीरो होगा, डेल्टा थ्री भी जीरो होगा। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा, है ना? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो देन एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या दिया गया? नॉन जीरो सॉल्यूशन। आज क्वेश्चन इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा को जीरो करना पड़ेगा, सो दैट इंफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलता है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? ए क्यूब ए प्लस वन होल क्यूब ए प्लस टू होल क्यूब देन ए ए प्लस वन ए प्लस टू वन वन, कैन आई राइट एक्स वाई जेड, कैन आई राइट इज इट जेड? नहीं, ये दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा? दोनों को इंटरचेंज करने से माइनस आता है, बट जीरो के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको वन 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 ए ए प्लस वन ए प्लस टू ए क्यू सॉरी ए प्लस वन होल क्यू आ गया, फॉर्मेट आ गया, नॉन रिजल्ट। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होता है? ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ए माइनस बी मतलब माइनस वन, बी माइनस ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी माइनस वन सी माइनस ए टू ए प्लस इनटू ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस थ्री, है ना? अब ए इक्वल टू माइनस जीरो, दैट इंप्लाइज ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ऐसा क्वेश्चन किए थे ना क्लास में, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना आंसर? 48 क्वेश्चन हुआ था क्लास में, नहीं पहले ए बी ए सी जो है ना उसको स्क्वायर फॉर्मेट में लाओ, एक ए मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, रो वन में एक ए मल्टीप्लाई करो, रो टू में एक बी मल्टीप्लाई करो, रो थ्री में एक सी मल्टीप्लाई करो, फिर कलम से कलम वन कलम टू कलम थ्री से बी सी कॉमन ले लो,
तो दैट जो ए बी दिया गया ना वो ए स्क्वायर होगा, ए सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, लाइक डिनोमिनेटर मतलब रूट वन रूट थ्री आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन हुआ था क्लास में? यस। और डिटरमिनेंट ऑफ दिस बी वन प्लस सी वन, सी वन प्लस ए वन, ए वन प्लस बी वन। आई थिंक ये टू टाइम्स ऑफ मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। लाइक ये टू में बी टू प्लस सी टू, सी टू प्लस ए टू, ए टू प्लस बी टू, देन थ्री में बी थ्री प्लस सी थ्री, सी थ्री प्लस ए थ्री, ए थ्री प्लस बी थ्री। चेंज करो और कलम वन आज कलम वन प्लस कलम टू प्लस कलम थ्री क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, करेक्ट ना? ये होगा ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री, देन ये आज इट इज। देन चेंज करो कलम टू चेंज आज कलम टू माइनस कलम वन एंड कलम थ्री चेंज आज कलम थ्री माइनस कलम टू, कलम थ्री से कलम वन माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? माइनस ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन माइनस बी वन माइनस C1, like two में, ठीक है? Then change करो, कलम वन चेंज आज कलम वन प्लस कलम टू प्लस कलम थ्री क्या होगा? ए वन माइनस बी वन माइनस सी वन। अभी दो माइनस कॉमन ले लो, कलम टू से एक माइनस कॉमन रखो, कलम थ्री से एक माइनस कॉमन रखो, आ जाएगा? समझा? हाँ सर। देन टेक माइनस वन कॉमन फ्रॉम सी टू एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू टाइम्स आ गया। If x, y, z are not all simultaneously equal to zero, satisfying the equation, वही करेंगे ना? तो डिटरमिनेंट को जीरो कर देंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा। हाँ सर, हो जाए। हाँ
65 number of triplets of ABC for which the system of equation has infinite many solutions and x equal to 1, y equal to 3 is one of the solution is. Ax minus by is equal to 2a minus b. C plus 1 into x. ये आपको 2D में दिया गया स्ट्रेट लाइन. अब दो स्ट्रेट लाइन का इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है. दो स्ट्रेट लाइन का कब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है? जब वो दोनों सेम लाइन एक दूसरे पे होता है. L1 इक्वल टू L2. So L1 equal to L2 implies what? A upon C plus 1 minus B upon C is equal to 2A minus B upon 10 minus and x equal to 1, y is equal to 3, the one of the solution. X equal to 1, y is equal to 3. इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? X के जगह 1 डालो. A minus 3b is equal to 2a minus b. That implies A equal to minus 2B. Correct, na? इधर डालेंगे तो क्या होगा? C plus 1 plus 3C. 4C plus 1 is equal to 10 minus A plus 3B. तो इधर से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? A के जगह minus 2B डाल दो upon C plus 1 is equal to minus B upon C. Implies what? To C equal to C plus 1. So C is equal to 1. अब C के जगह 1 डालेंगे तो कितना होगा? 5 equal to 10. A के जगह माइनस टू बी तो प्लस फाइव बी. देन बी इज इक्वल टू माइनस वन. ए इक्वल टू कितना? टू. तो टू माइनस वन वन. एक ट्रिपलेट मिला. और एक ऑप्शन आ सकता है कि ए जीरो बी जीरो. ए जीरो बी जीरो होगा तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. बट एग्जिस्ट करेगा लाइन? एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा. नहीं करेगा ना. ए जीरो बी जीरो होगा तो ये हट जाएगा. एक ही आ रहा है. क्या दिया गया ऑप्शन? मैं सॉरी आंसर एग्जैक्टली टू. और ये कहां जा रहा है?
अच्छा सर L2 में भी 1,3 डाल के एक और कंडीशन आएगी ना L2 में भी 1,3 डाल के कंडीशन हो सकती L2 में हाँ सर तो उधर से एक और कंडीशन आएगी ना एक कंडीशन ये आ रहा ना ये लिखा मैंने हाँ सर तो उसको ये जो अपने थर्ड लिखा है उससे यूज कर सकते हाँ इधर हम लिखेंगे ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू टू ए टू ए के जगह हम कितना लिखेंगे माइनस फोर बी माइनस बी माइनस फाइव बी अपॉन आपका टेन ए टेन माइनस ए प्लस थ्री बी कैन राइट फोर सी प्लस वन तो ये कितना आ जाएगा 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 5c तो c इज इक्वल टू 1 वही तो आंसर मिला फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे टू ए माइनस बी बी के जगह कितना लिखेंगे प्लस ए बाई टू आई थिंक वही आएगा ए कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 8c प्लस 2 इक्वल टू 5c प्लस 1 तो 3c इज इक्वल टू अच्छा यहाँ पे एक अलग मिल रहा है ठीक है फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने इक्वेट किया मैंने अच्छा फिर तो वही आ गया ना नहीं नहीं तो और एक काम मिल रहा है अच्छा अच्छा मैंने मिक्सअप कर दिया क्या एक मिनट इसको केस वन में एक रखेंगे केस टू में ये रखेंगे केस वन रखेंगे हमें a इज इक्वल टू माइनस टू बी एंड आपको ये मिल रहा है a प्लस a अपॉन c प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू टू ए माइनस बी अपॉन टेन माइनस ए प्लस थ्री बी तो एक जगह माइनस टू बी डालेंगे अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी दैट इम्प्लाइज टू सी इज इक्वल टू सी प्लस वन तो सी इज इक्वल टू वन अब इसके साथ इक्वेट करेंगे कि नहीं तो इसके साथ इक्वेट करेंगे जो भी करो तो ये आपको मिलेगा नहीं ए के जगह बी डालना आसान रहेगा इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा a बाय टू सी के जगह बी वन डाला a बाय टू इक्वल टू टू ए
माइनस फाइव बी होगा अपॉन टेन प्लस टू बी प्लस थ्री बी प्लस फाइव बी. हमें करेक्ट ए के जगह माइनस टू भी लिख सकते हैं. अब क्या मिलेगा? ट्वेंटी प्लस टेन बी इक्वल टू फाइव बी. नो नो बी कैंसल हो गया. ट्वेंटी प्लस टेन बी इक्वल टू टेन. टू टू भी आप कैंसिल कर सकते हो. तो बी कितना हुआ? माइनस वन. तो सी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा टू. तो एक मिला टू माइनस वन वन. सेकंड केस, सेकंड केस में इसको रखेंगे सेकंड लाइन को. जब हम ए एंड बी रखेंगे तो हमारे पास ये मिल रहा है कि फोर सी प्लस वन इज इक्वल टू टेन माइनस ए प्लस थ्री बी एंड ए अपॉन सी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू टू ए माइनस बी अपॉन टेन माइनस ए प्लस थ्री बी. इसमें कुछ मिलेगा क्या? तो सब तीन तीन इक्वेशन आ रहे हैं. यहां से कैसे एलिमिनेट करोगे? एक ही मिल रहा है. एक बार आंसर चेक करो ना. वन सेकेंड. टू दिया गया क्या? एग्जैक्टली वन. सर टू ही दिए. नहीं और सेकंड वन क्या आ रहा है? ठीक है रहने दो इसको, देखते हो. एक मुझे तो एक लग रहा है. और कहीं पे हम कुछ मिस कर रहे तो बताओ. Have any idea? और कहाँ यूज हो रहा है? ठीक है. वे
2a का 26 है। सो वो पैसेज ही है, उसके पहले तो हो गए, लेकिन थर्ड वाले में दिक्कत जा रही है। एज स्क्वायर मैट्रिक्स नो स्क्वायर मैट्रिक्स पी ऑफ ऑर्डर एन सो दैट पी इज द इनवर्स एक्स ए एंड ए ट्रांसपोज ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर एक्स इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्हिच सैटिस्फाई एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स इक्वल टू एक्स। Then P matrix A minus A A A A greater than 0. Okay. X is non-singular. Non-singular होगा तो आप X transpose आप X inverse करेंगे. Identity matrix होगा. That implies X भी identity matrix होगा. इसमें मतलब X inverse right side में मैंने किया. X transpose X, X inverse is equal to X into X inverse. तो ये identity matrix हो गया, तो X transpose became identity matrix. तो इसका transpose कर देंगे, identity का transpose identity होता है. तो X आपको ये मिला, तो P matrix क्या हो जाएगा? A inverse I into A, that is फिर identity matrix आ जाएगा. But ये तो satisfy नहीं हो रहा है क्योंकि P आपको दिया गया A माइनस A A A A greater than 0 which is not possible. और कौन सा मैट्रिक्स हो पाएगा? X is non-singular matrix. Non-singular होगा तो फिर X inverse में multiply कर पाऊंगा ना? X transpose I होगा तो फिर मैं transpose रखूंगा दोनों साइड में. That implies X transpose transpose is equal to I का transpose. तो ये मिल जाता है. तो फिर P मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी हो जाता है. बस P आइडेंटिटी. हाँ? यस सो P आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बट यहाँ पे वो कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा 26 में. हाँ सर, इसलिए 26 डाउट है क्योंकि सेटिस्फाई. इसलिए वही डाउट है. क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, क्योंकि A माइनस A A A ये तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगा ना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे नहीं पाएगा. समथिंग मिस्टेक इज देयर.
आप एस एस फोर ये भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स ए आई जे सच दैट वेक्टर ए एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एक्स फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो जीरो होता है। बट ए इंटू एक्स वेक्टर क्या होगा मैट्रिक्स के साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो अभी मैं स्केलर जैसा रख नहीं पाएंगे इसको स्केलर जैसा ट्रीट करेंगे फिर ए मैट्रिक्स आपका नॉन मैट्रिक्स होगा और इसको मैट्रिक्स जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा पता नहीं चल रहा है और इसको मैं ये करूंगा तो आपका ये क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स डॉट ए x डॉट x क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे नॉन मैट्रिक्स ये होगा तो ये नॉन जीरो होगा बिकॉज आपका दिया गया फॉर एवरी नॉन जीरो x वेक्टर तो आपका ए मैट्रिक्स फिर नॉन मैट्रिक्स में आ जाएगा सिंगुलर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सिंगल मैट्रिक्स सब बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए के साथ एक्स वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होगा सर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया बट ए के साथ एक्स वेक्टर रखा गया वही पूछ रहा हूँ ऐसे कर सकते
वेक्टर इनटू मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर भी होता है ना रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने का तो फिर वैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं ताकि वेक्टर आएगा फिर डॉट प्रोडक्ट से जीरो आ सकता है फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो वन आ जाएगा नहीं वो क्रॉस प्रोडक्ट का ही नहीं जाएंगे ऐसा क्वेश्चन आया था पहले मतलब डे में बट उसमें वो वेक्टर मल्टीप्लाई मतलब ये हो रहा था वो एग्जैक्टली आ रहा था मतलब ये फॉर्मेट में आ रहा था इसमें क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे हाउ टू मल्टीप्लाई ए इनटू एक्स वेक्टर ए वो एक बार हो जाएगा तो फिर हम आगे के लिए कर सकते हैं का आंसर 30th का आंसर क्या दिया गया ए दिया सिंगुलर ए और डी दोनों दिया मतलब सिंगुलर भी आ ए और डी दिया हुआ सिंगुलर भी और है इसकी उसमें हाँ स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो सिंगुलर भी हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर थ्री ऑर्डर के लिए आंसर आपका जीरो होता है डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है इसमें से और कुछ ऑप्शन है मतलब ये क्या है वेक्टर वाला समझ में नहीं आ रहा है बट ये क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन एक बार आया था ये भी है 3x3 मैट्रिक्स गिवन है
बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर ए विथ, सॉरी मैट्रिक्स ए विथ वेक्टर। तो मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा शायद। हाँ ये इसलिए तो मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया है भी, बट इसके साथ वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, बट ये वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर को भी मैंने ऐसा फॉर्मेट में लिख दिया जो गलत, मतलब ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अच्छा एक मिनट, इसको रखते एक्स इंटू एक्स कर देते, एक्स डॉट एक्स क्या होगा आपका, एक्स वन स्क्वायर वाई वन एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये स्केलर हो गया। और सब ये तो जीरो होल्ड्स का, तो ये जीरो हो गया। सो लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो, बट ये फिर मैट्रिक्स कैसे, ये जीरो यहाँ पे जो होता है ना ये स्केलर होता है। सर लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आपको स्केलर मिलता है। ax डॉट x है सर, इसे अलग कर सकते हैं ax को नहीं अलग कर सकते जब इसको हम मैट्रिक्स मानेंगे, नहीं तो डिटरमिनेंट ये मानेंगे, स्केलर मानेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, सिंगुलर तो मालूम पड़ गया। हाँ लेकिन वो बाकी का और कुछ कंडीशन देना चाहिए था, मतलब ट्रांसपोज करके फिर हम फर्स्ट ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा तो फिर हम कुछ सोचेंगे, ये नहीं है। एक्स वेक्टर होगा क्या, वेक्टर तो हो ही सकता है। बट एक्स को कैसे वेक्टर लिखेंगे, कुछ तो है मतलब ये। तो वही जो आपने लिखा वेक्टर को ही सर मैट्रिक्स फॉर्म में करके करना पड़ेगा। हाँ लेकिन वैसे वेक्टर को लिख नहीं सकते ना मैट्रिक्स फॉर्म में। वेक्टर को मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे सर, लेकिन मैट्रिक्स में तो कॉलम मैट्रिक्स में तो लिखी नहीं। नहीं वेक्टर को मैट्रिक्स में लिखा जाता है, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखा जाता है, बट उसके लिए तीन वेक्टर्स चाहिए, एक वेक्टर में नहीं होता है। सर आप एक वेक्टर को एक कॉलम में नहीं लिख सकते? नहीं ये जो मैंने लिखा है गलत है, ये लिखेंगे तो फिर मतलब
एक क्वेश्चन में एक आर क्यूब करके कुछ टर्म दिया है, सो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आर क्यूब, सर वो आर क्यूब, आर क्यूब का कुछ सोच सकते हो क्यों दिया आर क्यूब, मतलब ये वाला मतलब थर्ड डायमेंशन 3D में। सो फॉर एवरी एक्स बोला ना, तो अपन फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स वेक्टर इन आर थ्री, आर क्यूब, आर क्यूब मतलब थ्री डायमेंशन स्पेस में वो बोल रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर मतलब आपका और ये उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स वन नहीं, ये तीनों एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कह रहा है वो तो फिर तो ए जीरो रहेगा ही। ऐसा मुझे थोड़ा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था, ठीक है मैं देख के इसको ये करता हूँ, चलेगा। ये तो कुछ गड़बड़ रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो हमारा कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ हो, बट मुझे नहीं लग रहा है। सर वो क्वेश्चन इतना तो गलत नहीं हो सकता कि x मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ कंडीशन वैसे नहीं रह सकता क्वेश्चन तो गलत। ठीक है नेक्स्ट टाइम इसको मैं ये करता हूँ। और कुछ है क्या बाकी आगे है 2B 3 उसमें है? आप लोग का इस पर टेस्ट है ना 27th? हाँ तो ये पोर्शन भी आ रहा है ना? हाँ कंप्लीट डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। और आपका ये कहाँ तक हुआ है? खत्म हो गया, खत्म हाइपरबोला थोड़ा सा, एक लेक्चर हाइपरबोला खत्म भी हो गया, एक लेक्चर सुनने का था, एक लेक्चर तो प्रॉपर्टीज भी करनी है, डिस्कस करने के लिए एक लेक्चर है, तो मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट। ब्लू हाउस में शायद नहीं हुआ है, सो वो लोग एक लेक्चर पीछे, ठीक है चलो ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं। सर आप पेपर सेट करना है ये पेपर? हाँ हम पेपर में ही, ओके सर बाय सर, ठीक है चलो बाय बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।